कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला विवाद मामले में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने एक और चिट्ठी लिख डाली है। आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज सहित हाईकमान को चिट्ठी लिखकर बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं पूरे मामले को लेकर अरुण सिसोदिया से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में खत पर सियासत तेज हो गई है। एआईसीसी के सदस्य अरुण सिसोदिया हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर उन्होंने हाईकमान को खत लिखा है। इसके पहले आप लोगों ने एक बार और खत लिखी थी, अभी फिर और खत लिख रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, बात ऐसी है कि जब बात आती है संगठन के हित की, जब बात आती है पार्टी के हित की, जब बात आती है कार्यकर्ताओं के सम्मान की, जब बात आती है महिलाओं के सम्मान में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को आगे आना होता है। मेरा ये मानना है कि अतिथि देवो भवा, इस कहानी को अगर, इस बात को अगर चरितार्थ करता है, तो हमारी वो मेहमान थी जो राधिका खेड़ा जी, ऊपर से एक नारी थी, जिस हम उस नारी की बात कर रहे हैं जिसकी की 50% आबादी है। राहुल गांधी जी एक तरफ संघर्ष कर रहे हैं कि उस 50% आबादी को न्याय और अधिकार दिलाएं, और दूसरी तरफ हमारे कुछ ऐसे लोग जो कि सामंतवादी सोच के साथ आज पिछले कई वर्षों से संगठन और सरकार में काबिज थे, और उनका जो आचरण है बहुत ही आपत्तिजनक रहा। उन्होंने जिस तरह से जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया और महिला को अपमान जैसी स्थिति में ला के खड़ा किया और महिला रो रही थी, तो कहीं ना कहीं आंसू ये बयां करते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। तो मेरी यही मांग थी कि मैं चाहता हूं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर कार्रवाई करें, एक कमेटी बना लें, और अगर अनुशासन समिति हमारे पास ऑलरेडी है, शायद धनेन्द्र साहू जी उसके अध्यक्ष भी हैं, जाँच होनी चाहिए। और जब तक जाँच हो, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो, तब तक ऐसे लोगों को पद से दूर रखा जाए। राधिका खेड़ा केंद्र के कांग्रेस से पदाधिकारी हैं, उनको नहीं लगता है क्या कि केंद्र में जाकर खुद पेश होना चाहिए? तो वो तो दिल्ली में अपनी बात वो रख चुकी हैं, और उन्होंने अपनी बात पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी, वेणुगोपाल जी सबको बताई है, और उन्होंने साथ ही साथ दीपक बैज जी और सभी को अपने बातों से अवगत करा दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उनके साथ जरूर न्याय होगा, और नारी का सम्मान सर्वप्रथम है। देखिए, वो अभी भी छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में मौजूद है, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही है, कह रही है कि खुलासा करूंगी, लेकिन खुलासा कब करेंगी? अब खुलासे के विषय में मैं नहीं बोल सकता कि और उनके साथ क्या हुआ या इसमें और कोई ऐसी अलग बात है कि क्या है, लेकिन उनके साथ अगर गलत हुआ है तो 100% कांग्रेस की सोच के हिसाब से, राहुल जी खड़गे जी की सोच के हिसाब से, नारी का सम्मान और नारी को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, अरुण सिसोदिया जो है नारी के सम्मान, नारी के अधिकार के लिए वो साथ खड़ी है राधिका खेड़ा के साथ। राधिका खेड़ा लगातार पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया में कि उनके साथ अन्याय हुआ है, अब खुलासा करेंगे, लेकिन खुलासा अभी तक नहीं कर पाई है। निश्चित तौर से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है राधिका खेड़ा के साथ, जो इस तरह से वो पोस्ट कर रही है, अब खुलासा कब करेंगी? कैमरामैन मुकेश के साथ मैं चित्रपट के साथ विधायक राय।